हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब। हम आ चुके हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, कॉल ऑफ ड्यूटी 1 अक्टूबर को भाई वो वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुका है प्ले स्टोर पर। और कल जिस टाइम मैंने इसको डाउनलोड किया तब इसका डाउनलोड था 1 मिलियन, और आज तो भाई वो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आप कैसे प्रोन हो सकते हो, कैसे आप स्नेक बन सकते हो, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के जो कंट्रोल्स हैं वहाँ पर स्नेक बनने का ऑप्शन नहीं है यार। इसीलिए हम आपको बताएंगे कैसे आप उसको इनेबल कर सकते हो और प्रोन होकर एनिमी को मार सकते हो। उससे पहले यार, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अपना भाइयों 1K सब्सक्राइब होने वाला है, प्लीज़ पूरा कर देना। तो हमको पहले जाना पड़ेगा एक मैच में, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप प्रोन हो सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक मैच स्टार्ट कर दिया है और ये मैच है 5v5 न्यूकटाउन फ्रंट लाइन। यहाँ पर हम मैच में आ चुके हैं, आप देख सकते हो मेरे कंट्रोल्स। ये है भाई वो 5 फिंगर क्लॉ, और यहाँ पर आप सभी ऑप्शन देख रहे होंगे जो कि अपने पबजी मोबाइल में है। बट यहाँ पर भाई वो प्रोन होने का ऑप्शन नहीं है। कई बंदों को तो पता होगा कैसे प्रोन होना है, बट कई को नहीं पता। यार मुझे भी नहीं पता था, जब मुझे पता लगा मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाते हैं ताकि सबको पता चल सके। और मैच स्टार्ट होने वाला है, अभी आपको बताऊँगा कैसे आप प्रोन होकर एनिमी को किल कर सकते हो, यानी कि स्नेक बन सकते हो। यार कई लोगों का तो ये यार फेवरेट मूव है पबजी मोबाइल में स्नेक बनने का। तो चलो भाइयों, मैच स्टार्ट हो चुका है, और जो कि भाई अपना क्राउच का जो ये बटन है, ये देखिए, जिससे हमारा जो प्लेयर है वो बैठता है उसी से अपना प्रोन भी होना है। यार ये देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर आकर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जो ये बैठने वाला क्राउच करने वाला बटन है ना, उसको होल्ड करना है। ये देखिए, थोड़ा सा होल्ड करना है 1-2 सेकंड, और आपका बंदा स्नेक बन जाएगा, प्रोन हो जाएगा और ऐसे बैठ जाएगा। ऐसे करेंगे वो खड़ा हो जाएगा। ये देखिए फिर से 1-2 सेकंड उसको होल्ड करना है उस बटन को, और ये आपका बंदा स्नेक बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यार। अगर आपके किसी दोस्त को नहीं पता है तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलेंगे भाइयों अगली वीडियो पर, तब तक के लिए ओके बाय।